हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि एमटीपी किट अगर ले ली जाए तो क्या फ्यूचर प्रेगनेंसी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और जब गर्ल्स फीमेल्स ये कभी भी एमटीपी किट लेती है तो सबसे बड़ी टेंशन उनके दिमाग में यही होती है कि आज हम एमटीपी किट ले रहे हैं तो क्या फ्यूचर में हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे, क्या हमें बच्चा लग पाएगा, क्या हमारी प्रेगनेंसी का फ्यूचर रहेगा, हमारे को फ्यूचर में ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी जिससे कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, आज आपको इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि क्या एमटीपी किट लेने के बाद हमें फ्यूचर में प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई तकलीफ़ होती है, कोई इशू आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एमटीपी किट जब भी आप लेती हैं तो उसको सही तरीके से लिया जाए। तो वो एक हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें ये बताया है कि एमटीपी किट कैसे लेना होता है और क्या टेस्ट पहले करवाने होते हैं। जनरली हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप एमटीपी किट लें तो सोनोग्राफी ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज भी होती हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो बिना सोनोग्राफी कराए एमटीपी किट लेना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरी एक चीज़ और एडवाइस दी जाती है कि जब भी आप एमटीपी किट लेते हैं तो जब ब्लीडिंग पूरी हो जाती है, आप ड्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद अमूमन 15 दिन के बाद एक रूटीन चेकअप सोनोग्राफी और करवानी होती है, जिसमें ये पता लग जाए कि अंदर का जितना भी प्रोडक्ट्स थे या बच्चे के जो भी पार्ट्स थे सारे बाहर आ गए हैं, बच्चेदानी के अंदर किसी प्रकार का कोई कचरा, कोई टुकड़ा या कोई क्लॉट्स या किसी प्रकार का कोई भी रिमेनिंग पार्ट नहीं है। क्योंकि जनरली अगर कुछ छूट जाता है पीछे जो निकला नहीं है तो उस हिस्से में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के कारण वो अंदर जमा हो जाता है। अगर इन्फेक्शन होकर अंदर पस पड़ जाता है या वो इन्वेड कर जाता है या और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो डेफिनेटली बच्चेदानी डैमेज होती है और आगे बच्चा लगने में समस्या हो सकती है। यदि आप इन दो बातों का ध्यान रखते हैं एमटीपी किट लेने से पहले और एमटीपी किट लेने के बाद, यानी कि पहले और बाद में दोनों बार सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पता चलता है कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी है तो एमटीपी किट लेनी नहीं होती है, फिर आप डॉक्टर से संपर्क करिए और उसका इलाज करवाइए। दूसरा, यदि आपने एमटीपी किट ले ली है और उसके बाद में आपको पता चलता है कि बच्चेदानी के अंदर किसी प्रकार के कोई बच्चे के टुकड़े, पीसेस या कोई कचरा रह गया है, तो उसके लिए भी आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि उसे दूरबीन डालकर देखकर निकाल दिया जाए, ताकि आगे में फ्यूचर में बच्चेदानी किसी तरीके से डैमेज नहीं हो। अब बात आती है कि एमटीपी किट लेने से बच्चेदानी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो एमटीपी किट जो लेते हैं उसमें 5 गोलियां होती है, एक गोली पहले लेते हैं, 4 गोलियां बाद में लेते हैं। तो ये सारी जो दवाइयां होती है वो बच्चे को बाहर यूट्रस से, यानी कि बच्चेदानी से बाहर एक्सपेल कराने के लिए यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, जिससे कि यूट्रस सिकुड़ता है और लेबर पेन जैसे पेन आकर बच्चा क्लियर होता है। एमटीपी किट में जो गोलियां होती है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से बच्चा बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है। जनरली इससे बच्चेदानी को किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता है, क्योंकि ये यूट्रस को सिर्फ स्टिमुलेट करते हैं और लेबर पेन जैसे पेन क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा अंदर से जो एंडोमेट्रियम होती है, अंदर का जो लेयर होता है वो शेड ऑफ होता है और पूरा बच्चा प्रेगनेंसी का जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे यूट्रस से क्लियर आउट हो जाते हैं। तो जब तक अगर कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं बचता है तो बच्चेदानी में एज सच कोई डैमेज नहीं होता है एमटीपी किट लेने से। एमटीपी किट लेने से यूट्रस पर जनरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एमटीपी किट लेने के बाद जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें बड़े बड़े क्लॉट्स भी पास होते हैं, बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है और आपको इमरजेंसी में कई बार सफाई भी करानी पड़ जाती है, क्योंकि जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसे कंट्रोल नहीं होती है, तो हमें सक्शन इवैक्यूएशन से, यानी कि जो डीएनसी प्रोसीजर होता है उसके थ्रू यूट्रस को क्लीन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते हैं, किसी नर्सिंग स्टाफ या कोई आरएमपी के पास आप पहुँच जाते हैं और आपका यूट्रस को जो क्लीनिंग किया जाता है या डीएनसी की जाती है, अगर वो सही तरीके से नहीं की जाए, सही ऑपरेशन थिएटर में नहीं की जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो अंदर जो इंस्ट्रूमेंट डालकर जो प्रोसीजर किया जाता है उससे अंदर का लेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, अगर उसे बहुत ज़्यादा खुरच दिया जाए या बहुत ज़्यादा डीप क्लीन किया जाए। इससे जब अंदर का लेयर अगर परमानेंटली डैमेज हो गया तो बच्चेदानी की दीवारें आपस में चिपक जाती हैं और एडिजन्स क्रिएट हो जाते हैं,
जिससे कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। किसी भी इंसान के पास जाकर आप या किसी भी ऐसी जगह पर आप अपना DNC नहीं करवाएं जो रजिस्टर्ड नहीं है या जहाँ पे MS गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हो। जब भी आप अपना कोई भी कार्य करवाएं गायनी से रिलेटेड, हमेशा डॉक्टर की डिग्री देख के करवाइए कि MS गायनी के पास ही जाके अपना DNC या सक्शन इवैक्यूएशन या सफाई करवाइए। क्योंकि हमने बहुत से मरीज़ देखे हैं जो कई बार गांव में किसी बाहरी पेरिफ्री में जहाँ पर ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं और कोई नर्सिंग स्टाफ या कोई OT स्टाफ कोई भी DNC कर देता है और कई बार बच्चेदानी के अंदर छेद हो जाता है या बच्चेदानी अंदर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और बच्चेदानी में अगर छेद हो जाता है तो कई बार आंते वगैरह भी डैमेज हो जाती है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और MTP किट लेने के बाद चेकअप सोनोग्राफी या क्रॉस चेक सोनोग्राफी ज़रूर करवा लीजिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि उसके अंदर बच्चे के कोई पीसेस नहीं बचे हैं। और यदि कुछ ऐसा होता है तो DNC ना करवाएं, हमेशा दूरबीन से जो कचरा रह गया उसे देखकर निकलवाइए। क्योंकि अगर आप DNC करवाते हैं तो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है और उसमें ज़रूरी नहीं कि जो कचरा अंदर है वो निकल जाए, हो सकता है कि सिर्फ बच्चेदानी डैमेज हो जाए ओनली और जो पीसेस छूटे हैं वो वहीं की वहीं रह जाए। क्योंकि जनरली ये इन्फेक्ट होकर अंदर चिपक जाते हैं और जो नॉर्मल DNC से बाहर नहीं आ पाते हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि बार बार DNC करवानी पड़े और उसके बाद में भी आपका जो ट्रीटमेंट कम्प्लीट नहीं हो पाए। लेकिन हिस्ट्रोस्कोपिकली अगर रिमूवल ऑफ RPOCs किया जाता है तो एक शॉर्ट इलाज है, 100% कम्प्लीट रिमूवल होता है, बच्चेदानी किसी प्रकार से डैमेज नहीं होती है और आगे बच्चे लगने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि MTP किट लेने से प्रॉब्लम नहीं होती है बट उसके एसोसिएटेड प्रोसीजर से प्रॉब्लम होती है कि यदि पीसेज रह जाते हैं या इमरजेंसी में कोई DNC करनी पड़ जाती है और वो प्रोसीजर सही तरीके से नहीं होता है तो बच्चेदानी डैमेज होती है और आगे बच्चा लगने में समस्या होती है। इसलिए मेरी सलाह आप लोगों से यही है कि जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो प्रेगनेंसी होने का ध्यान ज़रूर रखिए। यदि आप रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आपको कॉन्ट्रासेप्शन का रेगुलर मेथड काम में लेना चाहिए और यदि आप ओकेजनली इंटरकोर्स करती हैं या ओकेजनली सेक्सुअली एक्टिव हैं तो फिर आपको बैरियर मेथड या कोई भी प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और अगर आपने इमरजेंसी में कुछ यूज़ नहीं किया है तो आप IPL यूज़ कर सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि यदि प्रेगनेंसी हो ही ना तो सबसे बेटर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो आप ट्रेंड प्रोफेशनल से सहायता लेकर ही कोई कदम उठाइए, नहीं तो ये चीज़ आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये वीडियो आपको अगर लाभदायक लगा, आपको लगा कि इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो सकें और कोई गलत डिसीजन ना ले। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और Instagram पर यदि आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक ज़रूर करिए और Insta पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी।